कहते हैं शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अब दिमागी तौर से मजबूती कैसे आएगी? दिमाग की भी तो कुछ एक्सरसाइज होती होगी जिससे हम इसे स्ट्रांग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। जिस तरह हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, मैंने पहले भी बॉडी फिटनेस के ऊपर कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक होंगे, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे वीडियोज़ दिख जाएंगे। तो मैं बात कर रही थी कि मेंटली आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए मेंटल हेल्थ के लिए कुछ बातें जानते हैं। दिमागी रूप से हम सबसे ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब हमें लगता है हमारी उम्र हो गई है, हम कुछ भूलने लगे हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ गया। इन तरह की बेवजह की चिंताओं से हम अपने आप को घेर लेते हैं, यानी एक तरह से कहें तो चिंता का टोकरा अपने सर पर लिए हुए हमेशा ही फिरते रहते हैं। तो इन चिंताओं को अपने से दूर हटाइए। आप अपने आप को केवल इस तरीके से देखें कि जो आप हैं, जैसे हैं, जिस उम्र में भी हैं, उस उम्र का मज़ा लीजिए, क्योंकि हर उम्र के अपने मज़े होते हैं, अपनी खुशियां होती हैं, अपना ही इन्जॉयमेंट होता है। तो बस मज़े लीजिए, संख्याओं की चिंता डॉक्टर को करने दीजिए, ये आपका काम नहीं है। कोशिश करें हमेशा कुछ नया सीखें, इसमें आपकी रुचि हो, आप अपने आप को बिज़ी रखें। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अपने आप को खाली ना बैठने दें, क्योंकि जहां आप खाली बैठते हैं, कहावत तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और शैतान कौन है हमारे लिए? हमारे नेगेटिव थॉट्स। तो अपने आप को खाली ना बैठने दें, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। अगर नया कुछ सीखने को मिलता है तो बहुत इजीली उसको एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि सीखा कभी भी जा सकता है, किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है और किसी से भी सीखा जा सकता है। नया हुनर आपके अंदर आएगा तो आप अपने अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अपने आसपास ऐसी चीज़ों को रखें जो आपको खुशी दे, या जिनके पास होने से आपको खुशी मिलती हो। वो आपके अपने भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके पालतू जानवर भी हो सकते हैं, वो आपके लिए गार्डनिंग का काम भी हो सकता है। जैसे आपको पेड़ पौधे बहुत पसंद है तो आप अपने आसपास हरियाली रखें, और अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है या म्यूज़िक का शौक़ है तो इन तरह की चीज़ों को भी अपने आसपास रखें। म्यूज़िक तो सबसे अच्छी थेरेपी होती है हर तरह की टेंशन को दूर भगाने के लिए, यहाँ तक कि कई बीमारियाँ भी म्यूज़िक सुनने से दूर हो जाती हैं। तो इन तरह की चीज़ों को अपने आसपास रखें जिससे आप खुश होते हैं, आपको खुशी मिलती है। कहते हैं आंसू तो होते हैं, उनमें कोई वज़न नहीं होता, लेकिन कभी आपने रो के देखा है? जैसे ही आंसू निकलते हैं आपका मन इतना हल्का हो जाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया हो। तो जब भी आपको ऐसा लगे आपका मन भारी है, या कोई बात किसी की चुभ गई है, या आपको कुछ अंदर ही अंदर कचोट रहा है, आँखें बार बार भर रही हैं, तो खुद को रोकिए मत, चाहे आप औरत हो या मर्द हो। क्योंकि मर्दों को बड़ी ये ईगो वाली चीज़ लगती है कि नहीं, हम तो मर्द हैं, हम रो नहीं सकते, रोना तो केवल औरतों का काम है। ये सोच गलत है, रो कोई भी सकता है, क्योंकि रोने से अगर मन हल्का होता है, दिमाग हल्का होता है, टेंशन दूर होती है। तो इस थेरेपी को बिल्कुल अपनाएं। जो बाल्टी है आपकी आंखों में भरी हुई, इनको खाली कीजिए और अपने दिल का बोझ, अपने मन का बोझ हल्का कीजिए। किन्हीं की आदत होती है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बना देते हैं, क्योंकि उन्हें परेशान रहने की एक अजीब सी आदत हो जाती है। जैसे ही कोई परेशानी दूर होती है या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, वो अपने आप को बड़ा खाली खाली महसूस करने लगते हैं, और फिर दूसरी कोई परेशानी अपने अंदर ले आते हैं जिसके बारे में वो सोचते रहें, यानी कि ओवर थिंकिंग करना एक आदत बना लेते हैं। एक प्रॉब्लम दूर होती तो ज़रूरी नहीं दूसरी प्रॉब्लम को अपने पास आने दें, जैसे ही प्रॉब्लम आती है उसको फटाफट दूर करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने कहा कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिनका साथ आपको अच्छा लगता है या खुशी महसूस होती है।
तो इसी में शामिल एक पॉइंट और है कि ऐसे लोगों से दोस्ती करें या मेल जोल करें जो हंसमुख हैं, जो बहुत इंजॉय करते हैं, छोटे छोटे मोमेंट में खुश होना जानते हैं, यानी हंसोर टाइप के व्यक्ति से मेल जोल बढ़ाएं, क्योंकि खड़ूस टाइप के हमेशा चिड़चिड़े रहने वाले या नाराज़ होने वाले या दूसरों में बुराई देखने वाले, यानी एक तरह से कहें कि नेगेटिव लोगों से अगर आप दोस्ती करेंगे तो धीरे धीरे ये आते आपके अंदर भी आती जाएंगी और आप भी उनके जैसे ही बन जाएंगे। और ऐसे लोग किसी को पसंद नहीं आते। आप बहुत जगह देखते होंगे, कभी किसी ग्रुप में एक्टिव रहे होंगे या किसी ग्रुप में जाते होंगे या आपके ऑफिस में भी होंगे, जो बहुत हंसाता होगा लोगों को या जिसकी कंपनी लोग पसंद करते होंगे, आप भी उनके साथ बैठना पसंद करते होंगे। लेकिन जो हमेशा बुराई करता है या उदास रहता है या नेगेटिव बातें करता है, उनसे बचते हैं लोग, उनके पास कभी आप लोगों की भीड़ नहीं देखेंगे। तो ऐसे बनने की कोशिश करें कि लोग आपसे बात करने को तरसें, आपकी कंपनी चाहें, आपके साथ रह के इंजॉय करें। हमारी आदत होती है कि हम या तो गुजर चुका होता है उसके बारे में सोचते रहते हैं या आगे फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोचते रहते हैं। और मज़े की बात तो देखिए, ये दोनों ही चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। गुजरा हुआ कल यानी हमारा पास्ट तो जा चुका है, उसमें चाह कर भी हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। बहुत सोचते हैं कि अरे यार, वो काश ऐसा होता कि मैं उस दिन को बदल पाता, तो वो टाइम मशीन हमारे पास तो अभी अवेलेबल नहीं है, यानी हमने वो टाइम मशीन तो अभी बनाई ही नहीं है जिससे हम बीता हुआ समय बदल सकें या आगे आने वाले समय में चेंजेस कर सकें। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो उनकी फ़िक्र क्यों करनी। फ़िक्र आज की कीजिए, जो अभी इस समय प्रेजेंट लाइफ आप जी रहे हैं ये बहुत अच्छी है। और अच्छी नहीं है तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मेरे बहुत से वीडियो इसको लेकर बने हुए हैं, उनको देखिए। कहते हैं खेल कूद से शरीर के साथ साथ दिमाग भी बहुत स्वस्थ हो जाता है, तो स्पोर्ट्स में अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो रुचि बनाने की कोशिश कीजिए। किसी न किसी स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट पैदा कीजिए। उनके अगर गेम्स टीवी में आते हैं तो उन्हें देखिए, इंजॉय कीजिए। तो ऑनलाइन भी बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप खेल सकते हैं, जिनके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके आप आसपास ऐसा गार्डन है जहाँ पे ग्रुप्स इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उनमें शामिल होइए। यानी कोई ना कोई स्पोर्ट्स हमेशा आपकी फेवरेट लिस्ट में होना चाहिए। बैडमिंटन खेलिए, टेनिस खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट तो खैर सब लड़कों का फेवरेट होता ही है, लेकिन मैं सबकी बात कर रही हूँ, चाहे मेल हो या फीमेल हो। स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आपकी रुचि हो, जिससे आपका सर्कल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। क्योंकि हो सकता है एक ग्रुप को एक स्पोर्ट्स पसंद हो, दूसरे के बारे में बात ना करे, तो दो तीन स्पोर्ट्स आपके फेवरेट रहेंगे तो आप ज़्यादा बड़े ग्रुप में एक्टिव हो पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, घुल मिल पाएंगे। और अगर आप दिमागी पेच सीखना चाहते हैं तो शतरंज से अच्छा खेल कोई हो ही नहीं सकता। शतरंज को जब भी खेला जाता है वो हमेशा ही नई चुनौतियां देता है, नहीं तो शतरंज खेलिए और अपने आप को चतुर चलाक बनाइए, क्योंकि दिमाग जितनी मेहनत करेगा उतना ज़्यादा तेज होगा। जो कुछ आपके दिल में होता है या दिमाग में चल रहा होता है वो आपके चेहरे पर आ जाता है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो लोगों के चेहरे के हाव भाव देखें, वो क्या सोच रहे हैं, इस समय क्या बोलने वाले हैं, या कोई बात हो रही है तो उनका अंदर क्या चल रहा है उस बात को लेकर। तो इस तरह से अगर आप फेस रीडिंग करना शुरू करेंगे तो आप ज्योतिषी की तरह काम करने लगेंगे और फट से किसी को बता देंगे, देखो वो ये सोच रहा है, अभी उसके दिमाग में ये चल रहा है, देखना अभी वो ये बात बोलेगा, देखना उस अगर तुम ये क्वेश्चन करोगे तो देखना उसका ये रिप्लाई आएगा। इस तरह की एबिलिटी अगर आपके अंदर आ गई तो आप वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की राय भी आपके बारे में ऐसी बनेगी, अरे यार वो तो बिल्कुल सही बताता, पता नहीं कैसे उसे पता लग जाता है। तो जो नेगेटिव लोग होंगे या दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचेंगे वो आपसे बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा आप उनकी चोरी झट से पकड़ लेंगे। दिमागी तौर से मजबूत रहने का आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिन्हें भी चाहते हैं, जो भी आपके करीब हैं या करीब नहीं हैं, दूर भी हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। इसके लिए किसी खास मौके की ज़रूरत नहीं है, आप समय समय पर उन्हें यह एहसास दिलाते रहें कि आपकी ज़िंदगी में उनकी क्या वैल्यू है, आप
को कितनी ज़रूरत है उनकी, आप कितना चाहते हैं उन्हें, यानी प्रेम प्रदर्शित करने का कोई मौका न छोड़ें। ज़रूरी नहीं है प्रेम केवल प्रेमी या प्रेमिका के लिए हो, ज़रूरी नहीं है कि प्रेम केवल पति या पत्नी के लिए हो, प्रेम किसी के लिए भी हो सकता है, उसे शो करने में बिल्कुल देरी न करें। तो ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें आप अगर फॉलो करेंगे तो दिमागी रूप से भी स्ट्रांग बनेंगे। तो अपनी फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपने दिमाग को इतना एक्टिव बनाएं कि वो हर तरह की नेगेटिविटी को धक्का मार के दूर फेंक सके और पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर ला सके।